विदेश में, कनाडा देश में एक टोरंटो शहर है, वहां पर एक लड़का 15 साल का आंखों की रोशनी खो बैठा, कोई दवाई ली, जहरी मलेरिया हुआ था पहले, पर दवा का हुआ रिएक्शन और वो लड़के की आंखों की रोशनी चली गई, बेचारे को दिखे ही नहीं। तो उसके घर वालों ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोले कि ये इसको अब दिखेगा नहीं, जहरी मलेरिया तो ठीक होगा पर दिखेगा नहीं। तो क्या हुआ कि लड़के के घर वालों ने एक चिट्ठी लिखी गुरुजी के नाम, और वो चिट्ठी भारत नहीं भेजी, आश्रम नहीं भेजी, अहमदाबाद में नहीं भेजी, वो चिट्ठी लिखकर घर में जो गुरुदेव की चरण पादुका रखी हुई थी, गुरुदेव के चरण लगी हुई चरण पादुका, उस पर चिट्ठी रख दी। मन में प्रार्थना की, प्रार्थना में तो बहुत शक्ति है, पर लोग ऐसे कई बेचारे तांत्रिक के पास जावे, वो भुआ भूपा के पास जावे, वो झाड़ फूंक करने वाले के पास तो खूब जावे, पर भगवान की, सच्चे संत की, गुरु की शरण नहीं जावे तो दुख कैसे जावे। वो हनुमान जी को रावण के बेटे ने बांध लिया ब्रह्मास्त्र में, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और बंध गए, नहीं तो हनुमान जी को किसकी ताकत बांध सके। पर हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और बंध गए। फिर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े और तेल लगाकर आग लगाने का आदेश दिया। तो राक्षसों ने क्या किया कि हनुमान जी कहीं छूट न जाएं, इसके लिए और रस्सियां बांध दी। ब्रह्मास्त्र में पहले बंधे हुए थे, पर फिर भी राक्षस ऐसे दुर्बुद्धि, तभी तो राक्षस है ना, देवता नहीं हो जाते। हनुमान जी को और रस्सियां लपेटी और बांधा उनको, तो ब्रह्मास्त्र जो था ब्रह्मा जी का, वो छूट गया, वो चला गया, वो अलोप हो गया। बाकी दूसरी रस्सियां हनुमान जी को क्या बांध सकती थी, सब रस्सियां टूट गई, हनुमान जी निकल गए, पूरी लंका को आग लगा दी। ब्रह्मास्त्र का उन्होंने अपमान किया, उन्होंने और रस्सियों पर भरोसा किया राक्षसों ने, पर ब्रह्मास्त्र पर भरोसा नहीं किया तो लंका जल गई। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु का दिया हुआ मंत्र है ना, वो ब्रह्मास्त्र होता है, उसको कोई काट नहीं सकता, पर उसका अनादर करके फिर तांत्रिकों के पास जाए, दोड़े धागे वाले के पास जाए, ताबीज वालों के पास जाए, तो समझो वो ब्रह्मास्त्र का अपमान कर रहा है, वो देव नहीं है, राक्षस है लंका का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक आदमी को एक तांत्रिक बहुत परेशान करता था, पहले वो उस तांत्रिक के पास जाता था, फिर उसने बापूजी से दीक्षा ले ली कि दीक्षा तो ब्रह्मज्ञानी गुरु से लेनी चाहिए, तांत्रिक थोड़ी सद्गुरु होता है, तांत्रिक तांत्रिक होता है, ब्रह्मज्ञानी गुरु ही सच्चे गुरु होते हैं। तो उसने बापूजी से दीक्षा ली, तो वो तांत्रिक उसको तंग करता था कि तूने दीक्षा क्यों ली, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को पाई पाई के लिए मोहताज नहीं बना दूं तो मेरा भी नाम फलाना नहीं। तो ये भक्त, इनका नाम मोतीलाल, इन्होंने भी कहा देख लूंगा मैं, तू क्या कर लेगा, देखते हैं अब किसका जोर चलता है, वैदिक मंत्रों का जोर चलता है कि तांत्रिक मंत्रों का जोर चलता है। और वैदिक मंत्र भी मुझे बापू जी के मुख से मिला है, तेरे तांत्रिक मंत्र क्या जोर लगाएंगे, मैं देख लूंगा। वो तांत्रिक ने बहुत प्रयोग किए, पर उस मोतीलाल जी का बाल बांका नहीं कर सका वो तांत्रिक। 6 महीने बीते, तांत्रिक खुद ही मर गया, वो साधक तो अभी भी जिंदा है, उसके 4 बच्चे जिंदा हैं, गाड़ी है उसके पास, जमीन है अपनी, अपना धंधा है, सब कुछ है, सहारनपुर में वो रहते। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित, भक्त का कभी अहित नहीं होता, भक्त लगा रहे बस। आप एक बात बताओ कृपानाथ, के नदी बहती हुई सागर के पास आ गई तो क्या किसी की ताकत है कि उस नदी को वापस लौटा दे वहां से, बोलो। हाँ, नदी समुद्र के पास पहुंच गई, गंगा गंगा सागर पहुंच गई, तो क्या किसी की ताकत है कि उसको फिर से गौमुख हिमालय की तरफ लौटा दे, किसी की ताकत नहीं है। ऐसे ही कोई सच्चे संत की, गुरु की शरण में आ गया, फिर उसको कोई जन्म मरण में डाल दे ये संभव नहीं है। अगर सच्चे सदगुरु के चरणों में टिका रहे, गुरु के चरणों में दृढ़ श्रद्धा भक्ति रखे, तो उसको कोई धकेल नहीं सकता।
वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। आप दूसरी एक बात बताओ कि आपके घर पर कोई ब्राह्मण को आप बुला के ले आए, घर में श्राद्ध है या कोई प्रसंग है, आप ब्राह्मण को ले आए विधि कराने को, पूजा कराने को। फिर भाई ब्राह्मण आए हैं तो इसको खाली पेट भेजना अच्छा नहीं है, तो आपने थाली धोकर नैपकिन से पोंछी और ब्राह्मण के आगे रख दी, पानी का गिलास भर के रख दिया। तो ब्राह्मण ये नहीं सोचेगा कि अब ये रोटी देंगे कि नहीं देंगे, सब्जी देंगे कि नहीं देंगे, दाल चावल देंगे कि नहीं देंगे। ब्राह्मण को पक्का होता है कि ये लोग बुलाकर लाए हैं तो खाना तो जरूर खिलाएंगे। ऐसे ही हम भी पक्का कर लें कि भगवान ने हमको सत्संग में भेजा है तो लगता है इसी जन्म में हमारा कल्याण निश्चित है, हमारी मुक्ति निश्चित है, इसलिए भगवान ने भेजा है, नहीं तो भेजते ही नहीं। वो चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, इसलिए हमको ऐसी जगह पर भेजा है। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए, ये फल प्राप्त हो जाता है। मैं बात पूरी करूं, उन्होंने चिट्ठी लिख के रख दी और प्रार्थना करने लगे, तुमको न भूलें ओ सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा। हृदय से प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना जब गहराई से निकलती है ना तो वो बड़ा काम करती है। द्रौपदी ने हृदय की गहराई से पुकारा था भगवान को, तो कहां हस्तिनापुर, कहां द्वारिका। हस्तिनापुर जिसको हम आजकल दिल्ली कहते हैं, और द्वारिका सौराष्ट्र गुजरात। कितनी आने में आदमी को देर लगे, कोई कार में जाए बस में जाए तो कितना टाइम लगे, परंतु द्रौपदी ने हृदय के भाव से पुकारा तो भगवान को देर न लगी। भगवान आ गए और दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, पर द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका, क्योंकि द्रौपदी ने हृदय के भाव से भगवान को पुकारा था, सच्ची श्रद्धा से भगवान को पुकारा था। तो वो भी चिट्ठी लिखकर चरण पादुका पे रख दी और हृदय से पुकार रहे थे, तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, 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 तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरुदेवा, तुमको न भूले ओ सदगुरुदेवा, तुमको न भूले ओ सदगुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सदगुरुदेवा, तेरा ही सहारा है। मकसद है मेरा तुमको ही पाना, मकसद है मेरा अब तुमको ही पाना, तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाना, तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाना, छूटे न सा
दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना, तुम बिन नहीं है कोई भी हमारा, तुम बिन नहीं है कोई भी हमारा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। हृदय पूर्वक प्रार्थना कर रही, उन्होंने बताया प्रार्थना का परिणाम ये आया, हमारे घर में हमको पीली धोती ओढ़े हुए पूज्य बापू के दर्शन हुए और बापू ने हमारे बच्चे शिवम को, जिसको दिखता नहीं था, उसको आशीर्वाद दिया। रोशनी चली गई थी डॉक्टरों की बेवकूफी से, उसी बच्चे को अब सब दिखाई दे रहा है। वो उसको भारत लेकर आए थे खास के, बोले देखो हमारे साथ परदेश में ऐसी घटना घटी, हमको वहां पर भी गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिला और बच्चे की आंखों की रोशनी बिल्कुल बनी घटना है। मैं इसमें अपनी तरफ से एक भी शब्द मिलावट करके नहीं बोल रहा, इसको कोई अतिशयोक्ति मत मानना, ये स्पष्टोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है। व्यक्ति एक देश और काल में होता है, व्यक्ति को देश और काल की सीमा बांध सकती है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व होता है, देश और काल की सीमा उसको बांध नहीं सकती, वो उस असीम तत्व में जगे हुए हैं। तेरे दर पे मिलता है सच्चा खजाना, तेरे दर पे मिल सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा, सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा सहारा है, उसका सहारा सच्चा सहारा है, बाकी सब सहारे मिटने वाले हैं, छूटने वाले हैं, टूटने वाले हैं। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। कितनों से हमने नाता जोड़ा, कई हमारे बुजुर्ग जो पहले के थे, हमने बचपन में देखा उनको, दादा परदादा आदि जो भी, उनका शरीर कहां रहा, उनका शरीर छूट गया, पर उनसे माना हुआ अपनेपन का संबंध जुड़ा रहा, और वो जो माना हुआ संबंध है वो भी कब तक रहेगा, हमारा शरीर छूटेगा फिर। बन बन के सहारे टूटते हैं, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की, टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है, टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। हरी हरी ओम,
सारे दुनिया के नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के, ये झूठे नजारे दुनिया के, ये झूठे नजारे दुनिया के, मेरी प्यासी नजरों मिला है मेरा ये सहारा, मेरा ये सहारा। नहीं नहीं, भगवान सबका सबसे बड़ा सहारा है। भगवान को पाए हुए सच्चे सदगुरु वो सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा मिलना ये बहुत बड़ी बात है।